Hello students, myself Ashish Chawla. In today's class, we discuss about the problem based on train. Problem based on train. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पीड. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम. और जनरली हम डिस्टेंस जो है वो मीटर या किलोमीटर में मेज़र करते हैं, और टाइम सेकेंड्स या आवर्स में करते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो स्पीड है उसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, और सिंपली किलोमीटर पर आवर. जनरली हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर्स में डिफाइन करते हैं. कई बार हमें क्वेश्चंस में स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती है और हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है. तो हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं देखते हैं. लेट्स से मेरे पास 1 किलोमीटर पर आवर है, और इसको अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 मीटर. तो मैं 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दूंगा, और ये पर आवर है तो आवर को मैं लिख दूंगा 60 × 60 सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. तो 1 आवर्स को मैं लिख सकता हूँ 60 × 60 सेकेंड्स. सो द यूनिट्स इज नाउ इज इन, इनिशियली इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर, नाउ इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड. सो कैंसिल द टर्म्स विच कैन बी कैंसल्ड. So 2 zeros get cancels. Now that is 10/36 meter per second. इसको हम 2 से और cancel कर सकते हैं, that is 5 and that is 18. So तो 1 kilometer per hour is equals to 5/18 meter per second. तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36 × 5/18 मीटर पर सेकेंड. सो 18 and 36 टू टाइम्स कैंसिल, 5 × 2 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये तो हमने स्पीड को डिफाइन किया. नाउ हम डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड. व्हाट डू मीन बाय एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज डिफाइन एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं. एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हम एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती है. लेट्स से क्वेश्चन है कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. एक पर्सन ए से बी की तरफ गया विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वो वापस रिटर्न बैक हुआ उसी रूट से विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो हमें बताना है फाइंड हिज एवरेज स्पीड, during the journey. तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही ड्यूरिंग द जर्नी? नाउ लेट्स सी. देखिए लेट्स से हम मान लेते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है डेट इज़ डी किलोमीटर. अज्यूम दैट द डिस्टेंस इज डी किलोमीटर. सो अकॉर्डिंग टू द एवरेज स्पीड फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हम ए से बी पर जा रहे हैं, डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, फिर बी से ए जा रहे हैं तो वापस हमने डिस्टेंस डी ट्रेवल किया. सो द टोटल डिस्टेंस इज डी प्लस डी. नाउ दिस इज टोटल डिस्टेंस, नाउ टोटल टाइम टेकन. हम ए से बी पे जा रहे हैं 60 की स्पीड से, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं डी, तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज दिस मच टाइम, दिस मच आवर्स. एंड फ्रॉम बी टू ए जा रहे हैं वापस 40 की स्पीड से, तो अगेन डिस्टेंस इज डी एंड द स्पीड इज 40. नाउ सॉल्व इट, डी प्लस डी दैट इज 2d. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन टेक डी कॉमन, सो 1/60 प्लस 1/40, डी गेट कैंसिल. सो 2 60 और 40 का हम एलसीएम लेंगे तो दैट इज 120.
सो 2 + 3 दैट इज़ 2, 5, 120 ऊपर चला जाएगा. नाउ 5 and 120 दैट इज़ 24 टाइम्स, 2 × 24 दैट इज़ 48 किलोमीटर पर आवर. सो द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी इज़ 48 किलोमीटर पर आवर. नाउ इसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे दैट इज़ अबाउट रिलेटिव स्पीड. व्हाट इज़ रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड से मतलब यह है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की क्या स्पीड है, दैट इज़ अ रिलेटिव स्पीड. सपोज़ करिए कि दो पर्सन हैं ए और बी. लेट्स से अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेट्स से ये जो ए है लेट्स से वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो बी को ऐसा लगेगा कि जो ए है, बी को ऐसा लगेगा कि जो ए है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है. क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी अगर बी जब ए को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी जो रिलेटिव स्पीड है दैट इज़ डिफाइंड एज ए माइनस बी, उनका डिफरेंस हो जाती है, दैट इज़ 60 माइनस, ए की स्पीड 60 है, बी की स्पीड 40 है, सो इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर. और यानी ए बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है वो 20 की स्पीड से जा रहा है आगे. तो जब भी हम पर्सन्स अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो माइनस कर देते हैं हम. और अगर यही अगर हम इसका जस्ट रिवर्स केस लें कि लेट्स से ए तो 60 की स्पीड से जा रहा है इन द राइट डायरेक्शन और जो बी है वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो बी को कुछ इस तरह से लगेगा कि जो ए है वो 60 + 40 की स्पीड से जा रहा होगा, दैट इज़ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा. ये कंसेप्ट आपने जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जब जिस ट्रेन में आप बैठे हो और सामने वाली जो ट्रेन है वो भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसा लगेगा कि बहुत कम स्पीड से चल रही है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेट स्पीड होती है वो दोनों का डिफरेंस हो जाती है. और वहीं अगर हम उसका दूसरा केस लें, आप जिस ट्रेन में बैठे हो और सामने से कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ऐसा लगेगा कि एकदम बहुत तेज़ी से निकल रही है जबकि उसकी स्पीड इतनी नहीं होती. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पीड उस समय ऐड हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि ऐड हो गई है. सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. नाउ वी डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव स्पीड. लेट्स से क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 22 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली पास वन अनादर इन 1 मिनट इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 125 मीटर then what will be the length of the second train, then what will be the length of second train. Okay, let's do the problem. देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं जिनकी स्पीड 40 and 22 किलोमीटर्स पर आवर है. लेट्स से ये एक ट्रेन है, इसकी स्पीड जो है दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर और ये जो सेकंड ट्रेन है लेट्स से इसकी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर और लेट्स से इसकी लंबाई मान लेते हैं लेंथ L1 मीटर है. लेट्स से L1 मीटर मज़्यूम कर लेते हैं इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लेट्स से L2 मीटर है. ओके दोनों सेम डायरेक्शन मूव हो रहे हैं, द डायरेक्शन इज़ सेम और हमें बता रखा है कि जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ 125 मीटर, दैट इज़ L1 इज़ 125 मीटर. हमें ये बताना है कि ये जो सेकंड ट्रेन है इस फर्स्ट ट्रेन को कम्प्लीटली ओवरटेक कर लेती है इन 1 मिनट, तो जो हमें टाइम दे रखा है दैट इज़ 1 मिनट.
ये 1 मिनट में ये ट्रेन दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड है वो सेकेंड ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है कम्प्लीटली, तो उसको टाइम करना लगता है 1 मिनट। तो हमें बताना है कि जो सेकेंड ट्रेन है उसकी क्या लेंथ होगी, वी टू फाइंड द लेंथ ऑफ L2। सो सी यर, देखिए जब ये सेकेंड ट्रेन जो फर्स्ट ट्रेन है जब सेकेंड ट्रेन को क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, लेट्स अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट को पहले तो L2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और उसके बाद हमें और ये इसका जो फ्रंट पॉइंट है सीधा सिचुएशन। तो कुल मिला के देखिए बात ये हुई कि अगर हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो सेकेंड ट्रेन को ओवरटेक कर ले तो जो फर्स्ट ट्रेन है उसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरटेक कर लें, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दैट इज़ द सम ऑफ द लेंथ दैट इज़ L1 प्लस L2, यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, इतना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। नाउ क्योंकि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, जैसा कि मैंने बताया कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। सो द रिलेटिव स्पीड इज डिफरेंस ऑफ दीज टू दैट इज़ 40 माइनस 22 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 गेट कैंसल, सो द स्पीड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज़ हम टाइम को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। सो अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज़ स्पीड और यू कैन सी द रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज़ L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन दैट इज़ 60 सेकेंड्स। ओके नाउ पुट द वैल्यूज, 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L1 दैट इज़ 125 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 5 दैट इज़ 300 इज इक्वल्स टू 125 प्लस L2, सो L2 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 125 दैट इज़ 175, सो द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज़ 175 मीटर। थैंक यू।